नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। क्या है 10 बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की कमान भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों में है, लेकिन उनसे तेज काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें देखने को मिला था एक किसान अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर के पास आया और वो उनके कदमों में गिर गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेजी दिखाते हुए कलेक्टर से बात की और किसान की परेशानी को दूर कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने अपने ब्लॉग में राजनीति से जुड़े कुछ भावुक बातें भी लिखी। उन्होंने लिखा, अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया। बिजली, पानी और तमाम समस्याएं उन्होंने दूर की। उन्होंने लिखा, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो प्रदेश की जनता उन्हें माफ कर दे। अगर आप मेट्रो में सफर करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें, आगामी मार्च महीने में DMRC छात्रों और बुजुर्गों के किरायों में कटौती कर सकती है। वहीं मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्रों और बुजुर्गों के किरायों में कटौती को लेकर जो ट्रायल उन्होंने किया था वो सफल रहा। वहीं इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। वाकई में अगर इसे लागू किया जाता है तो छात्रों और बुजुर्गों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा को अब पटना हवाई अड्डे पर कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वहीं पटना हवाई अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में कहा, जो VIP ट्रीटमेंट शत्रुघ्न सिन्हा को मिलता था उसकी अवधि पूर्ण हो गई है और इस वजह से उन्हें अब कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर जमकर राजनीति हो रही, तो वहीं फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, फिल्म रिलीज होने के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना लेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन बनेगा। किन दलों से गठबंधन किया जाएगा इसका फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगे। वैसे आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम तरह की रणनीतियां बना रहे हैं। वैसे में देखने वाली बात तो है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी और किसके सर सजेगा ताज। अगस्ता वेस्टलैंड में कांग्रेस लगातार गिरती जा रही, तो वहीं BJP कांग्रेस पर हावी हो रही है। वहीं इस बात को देखते हुए पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के बचाव में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, रक्षा मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कभी दखल नहीं दिया है। बॉलीवुड फिल्मों के कॉमेडी कलाकार कादर खान का देहांत हो जाने के बाद बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कादर खान का देहांत के बाद सबकी आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से कादर खान को आपने देखा था अपनी फिल्मों में, वो हमेशा से लोगों को एंटरटेन करते थे, वहीं उनकी जिस तरह से कॉमेडी देखने को मिलती थी उसके बाद दर्शक उनकी कॉमेडी को देखकर काफ़ी हंसते थे, कॉमेडी देखकर दर्शक अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन आखिरकार जिस तरह से कादर खान का देहांत हो गया, उसके बाद से बॉलीवुड जगत में ही नहीं बल्कि कादर खान के फैंस भी काफ़ी भावुक हो गए। वहीं उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये सुना कि कादर खान का देहांत हो गया। वैसे आपको बता दें, कादर खान काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, वहीं लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। वहीं ये खबर सुनते ही सभी लोग काफ़ी हैरान हो गए, वहीं सभी लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा। सबसे बड़ी बात तो है कि कादर खान ने बॉलीवुड फिल्मों के दिग्गज कलाकार गोविंदा, अमिताभ बच्चन और कई बड़े कलाकारों के साथ फिल्म में अभिनय किया था और जब इस बारे में इन कलाकारों को पता चले तो वो भावुक हो गए। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। आपको बता दें, फिल्म ने साल की शुरुआत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। वाकई में बहुत बड़ी बात है कि फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। वैसे आपको बता दें, जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो उसके बाद से दर्शक काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को देख रहे थे। वहीं सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। आपको बता दें, जिस तरह से फिल्म का ट्रेलर लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया, वहीं इस फिल्म को भी काफ़ी संख्या में पसंद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि रणवीर सिंह और सारा अली खान की एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से रणवीर सिंह फिल्म में नज़र आ रहे हैं और सारा अली खान नज़र आ रही हैं, उनकी एक्टिंग को देखकर दर्शक काफ़ी एंटरटेन हो रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 0 भले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी, लेकिन फिल्म ने ज़्यादा बड़ी कमाई नहीं की। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर जिस तरह के से लोगों ने पसंद किया था, उसके बाद
फिल्म को लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि फिल्म की स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आई, वहीं कमाई के मामले में भी फिल्म फिसड्डी साबित रही।